Thank you.
कारण आ गया है। तो दोनों हाथ खड़े करके और हमें कहना वहां से क्या, मैनू नच लैण दे, मैनू नच लैण दे।
कौन कौन झोली भरने आए माँ के दरबार में, हाथ खड़े करके और कहिए माँ से क्या। ओ मैं भी आया बड़ी दूर से, झोली तो भर ले दे। तो क्या कहना, दोनों हाथ खड़े करके क्या, मैं तो नच ले दे। माँ अपने भक्तों के प्यार की भूखी। तो आज 31 को आप सब आए इधर दरबार पे हाजिर बनने के लिए। हाजिर किससे लगती है? तो आप तो मांग के बैठ गए। ताली बजाने से लौ लगती है, ताली बजाने से हाथ की रेखाएं चेंज होती है, और ताली बजाने से माँ के दरबार पे हाजिर लगती है। जब हाजिरी लगती है तो माँ अपने बच्चों की पुकार सुनती है। तो आज अभी बोला झोली तो भर ले दे। तुम्हें जब चोट लगती है तो माँ को पुकारते हो, कैसे आवाज देते हो? माँ माँ करके पुकारते तभी माँ सुनती है और दौड़ी चली आती है। इसी प्रकार अपनी अरदास माँ के चरणों में रखनी, जरा जोर से तालियों के साथ माँ को बुलाना। जय करो मैं शेरा वाली दा हो सांते दरबार की जय। तालियों से जयकारा गूंजना चाहिए माँ के दरबार पे।
बोली सच्चे दरबार की जय। मैंने तो ऐसा दरबार नहीं देखा है, मैंने तो ऐसा चमत्कार नहीं देखा है। किस्मत से मिल गया है हम जैसे गरीबों को, बोली सच्चे दरबार की जय। आइए माँ के दरबार में हम सभी भक्त आए और माँ से एक प्रार्थना करते हैं। माँ हो तेरे दर्शन को माए, हो तेरी चौखट पे माँ आए। कौन कौन आए हैं मेरी माँ के दर्शन को, मेरी माँ के चौखट पे जो भक्त पीछे वालों, हाँ उठा करके हाथ, दोनों हाथ खोलना और माँ से कहना क्या, दरवाजा बस खुला रखना, दरवाजा बस खुला रखना, दरवाजा बस खुला रखना। बोली बातचीत करने वालों की,
और तेरे दर्शन को हम आए, और तेरी चौखट पे